नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। तो गाइस 3 महीने हो चुके हैं गाड़ी लिए हुए। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं 3 महीने का रिव्यू शेयर करूंगा, पहले मैंने 1 महीने का रिव्यू शेयर करा था। तो क्या खुश हूं मैं इस गाड़ी से। इतने रिसर्च के बाद मैंने गाड़ी ली जाके, इतनी कन्फ्यूजन कि भाई नेक्सॉन लेना है, किया लेनी है और कौन कौन सी गाड़ी है, भैया दिमाग ख़राब हो गया था। फिर फाइनली जाके अपनी गाड़ी यहाँ पर अटकी और ये गाड़ी आ चुकी है अपने सामने। ठीक है, तो भाई 3 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को और ऑलमोस्ट अराउंड 2,500 किलोमीटर चल चुकी है। फर्स्ट सर्विसिंग इसकी हो चुकी है। फर्स्ट सर्विसिंग में मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बेसिकली सिर्फ क्लीनिंग होती है इसकी और एज सच कुछ चेंज नहीं होता है। वो भी बहुत अच्छी सर्विस थी, इन्होंने मेरे ऑफिस में आके इन्होंने सर्विसिंग कर दी थी। सबसे पहले चीज़ ये कि यार मुझे जो चीज़ इसमें अच्छी वो ये नहीं लग रही है कि यहाँ पर स्पेस कम है। अगर आप देखेंगे तो, अगर डैनियल थोड़ा कैमरा आगे लेके आएगा, यहाँ पर ना स्पेस कम है। अब देखो मैंने ना यहाँ पे मास्क रखा है, वॉलेट रखा, गाड़ी की चाबी रखी है, ये जगह पूरी भर गई। अब मेरे पास ना और कुछ रखने की जगह नहीं है। ठीक है, मतलब ये 2 जगह है, बॉक्सेस हैं यहाँ पर रखने के लिए, बट ये है कि फिर बार बार से खोलो, ठीक है, फिर वो सब करना पड़ता है। बट एज सच मुझे अगर कोई चीज़ें चाहिए हो जो मेरे को एकदम क्विक एक्सेस मिले, तो ना उस हिसाब से जगह यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि कम है। बट मारुति का फिर एक और चीज़ है कि यहाँ पे अपना बॉक्स लगवा सकते हो, उसके आई थिंक 4,000 रुपये कुछ लगते हैं। लेट्स सी अगर फ्यूचर में लगवाना है तो, बट ये इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे यार इसकी अच्छी नहीं लग रही है वो ये है कि मतलब जैसे आप नाइट में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो जैसे कंट्रोल्स हैं इसके, ठीक है, इसमें बैकलाइट नहीं है। ठीक है, तो मतलब यार गाड़ी का जो अंदर का सराउंडिंग है ना आपको बहुत डार्क सा लगेगा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर डैनियल कैमरा थोड़ा पास लेके आएगा यहाँ पे दिखाने के लिए, तो आप देख रहे हो सिर्फ ये एसी जो लिखा हुआ ये लिट हो रहा है, तो जितने भी ये है ना इनके कंट्रोल्स, ये मतलब पूरे बटन लिट नहीं होते हैं, मतलब बहुत हल्की हल्की लाइट रहती है, मतलब ऐसा लगता है अंधेरा है पूरा। ठीक है, ऊपर से ये जो बटन है यहाँ पर, ठीक है, ये जो कंट्रोल्स हैं इनके यहाँ पर, ये सिर्फ जो ऑटो लिखा है ना सिर्फ यही चलता है, बाकी ये सब कुछ नहीं चलते हैं। तो मतलब गाड़ी के अंदर ना ऐसा लगता है कि अंधेरा सा है बहुत, मतलब वो विजिबिलिटी इतनी मिलती नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है क्योंकि मेरे पास पहले i20 थी, उसका जो यहाँ पर सिस्टम था, उसके जितने भी कंट्रोल थे वो सारे लिट होते थे, अच्छी खासी लाइट मिलती थी और ना दिखने में भी आपको अच्छा लगता था। तो एक ये इसकी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हम उसकी बात करेंगे, वो है एवरेज। तो गाड़ी को 3 महीने हो चुके हैं, मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बट अब इस टाइम जो इसकी एवरेज है वो है 11 की। डैनियल अगर यहाँ पे दिखाएगा कैमरे की तरफ, इसकी तरफ, तो यहाँ पे जो इसका एवरेज आ रहा है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये कितना एक्यूरेट होता है कितना नहीं होता। अभी 10.8 दिखा रहा है, 1-2 दिन पहले 11 कुछ दिखा रहा था। तो मैंने जब गाड़ी ली थी तो ठंड थी तो एसी चलता नहीं था, तो 11, 11.5 की एवरेज देती थी। अभी एसी पे 11, 11.5। चौथी चीज़ गाइस जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लग रही है वो है क्या बोलते हैं, जो मिरर है इसका, आप देखोगे मिरर इतना बड़ा है, बट इसका जो आउटर है ना वो काफ़ी बड़ा है। आप ये देखो, ये चीज़ जो है, अगर आप ये जो चीज़ है ये बहुत एक्स्ट्रा है। तो जब मैं अगर ऐसे गाड़ी मोड़ रहा हूँ राइट को, तो मेरा ये जो एंगल बनता है ना उसमें ना ये बीच में आता है, तो मेरे को ना ऐसे ऊपर होके देखना पड़ता है कि मतलब गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं टर्न सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है ना, मेरा जो एंगल है, व्यू का एंगल, उसके बीच में आता है, तो काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। अगर इस चीज़ को जो इतनी ब्रॉड है अगर ये इतना छोटा भी कर देते ना तो भी आपको ना देखने में दिक्कत नहीं होती। तो ये एक मेजर चीज़ है, मेरे को पता नहीं अभी तक ये लोगों ने ब्रीजर में नोटिस किया है कि नहीं, बट मेरे को जब 1.5-2 महीने हो गए थे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ है इसमें एक मेजर चीज़। ठीक है, बाकी तो एज सच आई थिंक सब चीज़ सही है। तो गाइस ये मेरा 3 महीने का रिव्यू था, बाकी और गाड़ी चलाते एक बार फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए फिर देखते हैं इसकी क्या एवरेज आती है। और गाइस सब्सक्राइब तो करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ।